हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है उसमें हम देखेंगे यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले और आप पूरे अच्छे तरीके से समझ पाए अपने कनेक्शन को भी कि यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आज आपको अपने पर्सन का, यानी कि जिस भी पर्सन का करंट फीलिंग आप जानना चाहते हो, उनकी नेम का फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYN या W से शुरू होता है, तो आपको इस वाइट ब्रेसलेट को या हॉलाइट ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर IHKTCBFVMZOQ या X से शुरू होता है, तो आपको ग्रुप टू या फिर इस रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट को चूज़ करना है। तो आप अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। सो पेड रीडिंग्स के बुकिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। सो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYN या W है और आपने इस हॉलाइट ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आपकी वर्सेस उनकी करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो गाइस। ओके, सो चलिए जब तक मैं स्टार्ट करती हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और शफलिंग करते वक्त आप जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है आपके लिए। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव सेवन ऑफ स्वर्ड्स, वी हैव एस ऑफ स्वर्ड्स, we have 8 of wands. okay, so देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव दिस एम्परर कार्ड। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? यहाँ पर जो राशिया साइंस नजर आ रही है वो एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस एंड वाटर साइन में वी हैव स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ठीक है, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन को ऐसा नज़र आ रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि आप उनसे जो एक्सपेक्ट करते हो या फिर आप जो उनसे चाहते हो वो ये आपको नहीं दे सकते, उनके पास वो चीज़ है नहीं आपको देने के लिए। ओके, तो उनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि जो चीज़ आपकी नीड है, जो चीज़ आप दिल से चाहते हो कि आपको इस कनेक्शन से या इस पर्सन से मिले, वो इनके पास देने के लिए नहीं है। ठीक है, वो ये नहीं दे सकते और ना ही अफोर्ड कर सकते उस चीज़ को। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते जो भी चीज़ आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो या उनसे चाहते हो कि वो आपको दे। तो उनको ऐसा लगता है कि आपको देने के लिए उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है व्हेन इट कम्स टू एफर्ट्स और कुछ बाकी चीज़ें, और उन्हें ऐसा लगता है कि भले बहुत सारी चीज़ें वो आपको नहीं दे सकते जो आप चाहते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो आपको दे सकते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है, वो ऐसा फील कर रहे हैं, वो उसी चीज़ में एनालाइज़ कर रहे हैं अपने आप में कि मैं इसे बहुत कुछ नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं इसे दे सकता हूँ दे सकती हूँ जो कि इस एक्सपेक्टेशन से बेहतर है।
ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो शायद उनसे वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, शायद वो ही आपको नहीं दे पाएंगे। अब ये चीज़ कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि आपको टाइम चाहिए इनका बहुत ज़्यादा, या फिर कोई और आपकी एक्सपेक्टेशन है वो ये हो सकता है मीट नहीं कर सकते किसी रीज़न से। तो पर्सन को ऐसा फील हो रहा है ना कि ये इंसान आपको समझा नहीं पा रहे हैं अपने साइड का पॉइंट ऑफ व्यू, इनको ऐसा फील हो रहा है करेंटली कि ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, ये इंसान आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस की वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके लिए नहीं कर पाएंगे, और इसी रीज़न से ये इंसान आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझा नहीं पाते हैं कि भले ही वो आपकी मांगी हुई चीज़ें या आपके एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो और भी इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको दे सकते हैं, आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं किसी और तरीके से। सो वो चीज़ को इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे समझाऊं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो आपको क्लियर करें ताकि आपके मन में ऐसा ना लगे कि ये इंसान आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, या फिर ये इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, ये इंटरेस्टेड हैं लेकिन कुछ रीज़न की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से ये एक्सपेक्टेशंस आपके मीट नहीं कर पाए हैं कभी भी। तो उन सारी चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि ये खुलकर बात करना चाहते हैं, और इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, कैसे बात करूं, या कैसे मैं अपना लाइफ का साइड जो है इसे समझाऊं ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मैं उसके लिए सीरियस नहीं हूं, या मैं उसको चीट कर रहा हूं या कर रही हूं, या मैं मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, आपके पर्सन को करंटली लग रहा है कि शायद आपने अपने पर्सन को गलत समझ लिया है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो माइंडसेट है इनके प्रति वो बहुत गलत बन चुका है, जो कि सच्चाई नहीं है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपको क्लियर करें, वो आपको समझाएं कि वो असलियत में आपके लिए कैसा फील करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर थिंग्स, ओके। और वो चाहते हैं कि आप उनके प्यार को समझो, और वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं इसके वजह से आप ऐसा ना सोच लो कि ये आपकी कदर नहीं करते या इनको आपसे प्यार है ही नहीं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में इनको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसी रीज़न से मुझे यहाँ लगता है कि ये इंसान चाहते हैं कि उनका प्यार आपको एटलीस्ट समझ आए, भले वो कुछ कर पाए ना कर पाए, बट उन्हें लाइक आपको उनके उनका प्यार दिखे और आपको ऐसा ना लगे कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते। तो इस चीज़ को लेकर बहुत टेंस्ड हैं, इस चीज़ को लेकर मुझे लग रहा है आपसे बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, एक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं बहुत डीपली, क्योंकि इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है करंटली कि दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, दे आर जेन्युइनली अट्रैक्टेड, आप उनके लाइफ में बहुत मैटर करते हो, या आपको लेकर बहुत श्योर हैं, इन्होंने आपके साथ बहुत सारी प्लानिंग्स करी है ऑलरेडी, बहुत कुछ सोच रखा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में इन्होंने सोच रखा है, आपके साथ जीवन निभाने के बारे में इन्होंने सोच रखा है, तो उससे पहले ये कन्वर्सेशन होना ज़रूरी है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है आपके साथ, और ये पर्सन अगर बात करने से भागते थे, या आपको कोई भी अल्टीमेटम देने से भागते थे, या आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने से भागते थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था, तो अब ये पर्सन उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, वो आपसे मिलें, आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर हों, और उनकी कुछ मजबूरियां या उनके सर्कमस्टेंसेस के बारे में वो आपको समझाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें एटलीस्ट अंडरस्टैंड करो एंड आप थोड़ा सा उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो चलिए अब हम आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है बेसिकली। हमारे पास है 9 of Swords, वी हैव Queen of Pentacles, वी हैव द टावर कार्ड। ओके ओके ओके, ओ माई गुडनेस गाइज, हैवी एनर्जीज। आपकी फीलिंग मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है गाइज, कि आपकी फीलिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा अनहैप्पी स्टेट में आप है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ज़िंदगी का सपना टूट चुका है, आपने रिश्ते से जो मांगी है, जो विश किया है, जो सोचा था, वो सब टूट चुका है, रियलिटी कुछ भी नहीं है, एंड नथिंग इज़ गोइंग राइट इन योर लाइफ। मुझे लग रहा है कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस, होप्स थी किसी न किसी रीज़न से इस रिश्ते से रिलेटेड, वो टूटी है करंटली, एंड करंटली आप बहुत सैड हैं अंदर से, कहीं ना कहीं आपको एक सुकून नहीं मिल रहा है, एक शांति महसूस नहीं हो रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही मांगा था इस रिश्ते से, और आपने इतना ज़्यादा कम मांगा इस रिश्ते से, तब भी आपको वो चीज़ नसीब नहीं हुई।
और जो सपना आपने देखा उस कनेक्शन से रिलेटेड या इस पर्सन से रिलेटेड, वो भी आपको टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है, देखिए आपको आपको आपके अंदर मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग दिख रही है करेंटली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करे ना करे क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग, बट मुझे दिख रहा है कि आपके मन में करेंटली बहुत नेगेटिविटी है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते का कोई फ्यूचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो खुशियाँ जो स्टेबिलिटी आप इस पर्सन के साथ देखते हुए आ रहे थे वो ये पर्सन कभी नहीं निभा पाएंगे आपके साथ। तो आपको कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि ये इंसान आपका साथ नहीं निभाएंगे, और अगर ये आपका साथ रहेंगे भी तो जिस तरीके से आप इनको चाहते हो कि ये रहें आपके साथ, वैसे ये नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है साथ में। तो जो चाहे कितने भी हम लॉयल्टी या कितना भी हम पेशेंस रखें, कितने भी हम इसमें सैक्रेड एनर्जी इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, हमारा कनेक्शन को टूटना ही है एक दिन। तो मुझे लग रहा है बहुत अपसेट फील कर रहे हो, क्योंकि किसी न किसी रीज़न से आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ज़िंदगी भर का साथ कभी नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आप लोग अभी भी आगे जाओ साथ में, फ्यूचर में भी साथ में रहो, बट ज़िंदगी भर का जो आपका ड्रीम है वो आपको लग रहा है कि कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आप बहुत अपसेट हैं, ठीक है, आपको अशांति फील हो रही है, ठीक है, कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रहा है इस कनेक्शन से, आपको अपने पर्सन से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फिर से जो है लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर से नए तरीके से प्यार करना पड़ेगा किसी को या शादी करनी पड़ेगी किसी को। तो आपको ये फेस बहुत टफ फेस लग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रियलिटी ही है क्या, या ये एक सपना है, बुरा सपना, और आप नहीं चाहते हो कि आपका ये कनेक्शन इस तरीके से टूटे या आप दोनों का कोई फ्यूचर ना हो। लेकिन आपके मन में बहुत डर पनप रहा है करेंटली, करेंटली आप बहुत ही ज़्यादा फियर में मुझे नज़र आ रहे हैं करेंटली। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू नो आप पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे हो किसी न किसी वजह से। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कितना ही अच्छा सोच लूँ लास्ट में हम दोनों का साथ ज़रूर टूटेगा और हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। इस तरीके के माइंडसेट में आप चलते जा रहे हो और इस थॉट को आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ना आप चैन से रह पा रहे हो, ना आप इस थॉट को कंट्रोल कर पा रहे हो। तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है आपके अंदर करंट, इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर बिल्कुल होपलेस हो चुके हो आप। एंड यू नो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी न किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो सपना है इस रिश्ते को लेकर वो टूट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत नेगेटिविटी, हो सकती है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप ऐसा सोच रहे हो, या ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपको इतनी नेगेटिविटी नज़र आ रही है। बिकॉज देखिए मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, करेंटली भी उनके दिमाग में चल रहा है कि वो बहुत कुछ आपके लिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो आपके लिए ज़रूर करेंगे, करने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी हैप्पीनेस हमेशा कायम रहे, ठीक है। तो देखिए ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम कुछ मांगते हैं या कुछ विश करते हैं तो वो विश हमारी ज़रूर पूरी होती है, लेकिन जिस तरीके से हमने विजुअलाइज़ करा होता है, इमेजिन करा होता है, सेम टू सेम तरीके से नहीं होती है, लेकिन घुमा फिरा कर या किसी अलग तरीके से होती है, लेकिन पूरी ज़रूर होती है। तो वैसे ही मुझे आपके पर्सन की करंट फीलिंग दिख रही है। देखिए आपके पर्सन को कोई नेगेटिविटी नहीं है आपके कनेक्शन को लेकर, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो एंड वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे आपके साथ। उनको भी डर है इस रिश्ते का टूटने का, लेकिन फिर भी उनको एक उम्मीद है कि जब तक वो खड़े हैं आपके कनेक्शन में, जब तक वो हैं, तब तक आप दोनों पूरी तरीके से कभी अलग नहीं होंगे। लाइक वो अपना 100% देना चाहेंगे अपने तरीके से, लाइक जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, जितना उनके पास है देने लायक आपको, तो वो उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव है कि हाँ मुझसे जितना होगा मैं करूँगा या करूँगी। लेकिन आपकी करंट फीलिंग्स मुझे एकदम अपोजिट दिख रही है आपके पर्सन से, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा भी लग रहा है ना कि मैं डिजर्विंग हूँ, लाइक आपके जो एक्सपेक्टेशंस विश या फिर जो भी आप अपने पर्सन से मांग रहे हो जो आपको नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप डिजर्विंग हो, आपको किसी और से मिल सकता है, तो क्यों आप कंटिन्यू करोगे इस कनेक्शन को। आपके माइंड में ये थॉट भी आ रहा है, आपको ये भी लग रहा है कि शायद मूव ऑन कर जाना बेटर होगा, हमें दुख लगेगा, हमें रोना आएगा, हमारा मन नहीं करेगा मूव ऑन करने का, बट शायद यही डेस्टिनी है, शायद यही डिसीजन होगा। सो आप मच्योरली नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, मच्योर तरीके से नेगेटिवली थॉट में एंड इमोशंस में आप कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हो। ओके चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। हमारे पास है पास्ट लाइफ, वी हैव बियॉन्ड इल्यूशन। ओके सो देखिए आप दोनों का जो कनेक्शन है वो हो सकता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
ठीक है, या फिर आप दोनों का जो कनेक्शन है उसमें कर्मा बहुत ज़्यादा है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, चाहे सोलमेट हो चाहे कुछ भी हो, कर्मा का जोड़ यहाँ पर बहुत है, आपकी पास्ट लाइफ से उनके पास्ट लाइफ से कंटिन्यू हो रहा है, या फिर चांसेस है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लाइक आप दोनों पास्ट लाइफ में भी लवर थे एक दूसरे के या शादीशुदा थे एक दूसरे के साथ। सो उस वजह से मुझे यहाँ दिख रहा है कि कॉम्प्लिकेशन इस कनेक्शन में बहुत आएंगी, बहुत डिफरेंसेस आएंगी, बहुत नेगेटिविटी होगी, आपको अपनी छवि अपने पर्सन के अंदर कभी नजर आएगी, आपको अपने पर्सन की छवि अपने अंदर नजर आएगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी, स्विचिंग एनर्जी की जो स्विचिंग है वो यहाँ पर ज़रूर होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि कनेक्शन बहुत मिराकुलस कनेक्शन है, ऑल दो यहाँ पर बहुत डिफरेंसेस हैं, ऑल दो सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है, बार बार झमेला होता है, प्रॉब्लम होता है, कंपैटिबिलिटी इशू है, बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक सोल टू सोल कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों भले ही अपना दिमाग लगाओगे, आप दोनों भले ही चाहोगे कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ, या फिर आप दोनों का अलग होना बेहतर है, अच्छे अच्छे ऑप्शंस आप दोनों के लाइफ में हैं, लेकिन स्टिल देन मुझे लग रहा है कि आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ बहुत कंपैटिबल है एंड आप दोनों की सोल एक दूसरे से डिटैच होना नहीं चाहेगी। ऑल दो सकते आप दोनों का शरीर अलग अलग जगह में चला जाए, दिमाग अलग अलग जगह में चला जाए, दिल भी आप किसी और से लगाने की कोशिश करो, बट दिल आप दोनों का ऑलरेडी एक दूसरे से लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि जो चीज़ आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन से, वो बहुत छोटी चीज़ है, उससे बहुत बेहतर चीज़ यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगी, जो कि आपके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत बढ़कर बड़ा चीज़ होगा। सो मुझे दिख रहा है आपके कनेक्शन में फ्यूचर में सक्सेस ज़रूर है, अगर आप दोनों पेशेंस रखोगे, थोड़े से पॉजिटिव रहोगे, तो मुझे लग रहा है ऑटोमेटिकली थिंग्स आपकी सही होगी, आपके कनेक्शन में स्मूदनेस अपने आप आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे तब जाके कनेक्शन वर्क करेगा, नहीं, समय के साथ मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन को सपोर्ट करेगी, समय के साथ अगर आप बस टाइम दोगे इस कनेक्शन में तो ये कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं गुना बेहतर इस रिश्ते में होगा फ्यूचर में, अगर आप टाइम देते हो तो इस ये यू नो राइप करेगा, लाइक कोई फल होता है, कच्चा रहता है तो खट्टा होता है, पकता है तो मीठा हो जाता है, तो वही चीज़ है कि फल को भी पकने में टाइम देना हमें पड़ेगा, हम तुरंत उसे उठाकर खा लेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, राइट। सो आपके कनेक्शन में भी मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि टाइम अगर दोगे तो राइपन होगा चीज़ें डीप होंगी। ठीक है, कनेक्शन सही रहेगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है, आपके पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप दोनों का अल्टीमेटली यूनियन होगा। प्रॉब्लम ज़रूर रह सकती है बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से, एंसेस्ट्रल दोष के वजह से भी चांस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं, बट अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों का प्योर बॉन्ड है सोल लेवल पर हम जाके देखें तो। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, और अगर आपको ये ब्रेसलेट चाहिए तो आप ले सकते हो, ये आपके मेंटल स्टेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, घबराहट बहुत होती है ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में कभी कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो, हमेशा आपको भारी भारी फील होता है, डिजीनेस फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई एविल एनर्जी आपके आसपास है, या फिर यू नो माइंड स्टेट आपका कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, कब एंगर इश्यूज़ बहुत है, तो मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए आप इस होलाइट एनर्जाइज ब्रेसलेट को ज़रूर वेयर कर सकते हो अगर आपको ये चाहिए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सअप में इंस्टा में भेज सकते हो एंड ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो, ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि जब आपका दिमाग सही रहेगा तो आपका ऑल ओवर लाइफ बहुत आराम से चलेगा, अगर आपका माइंड स्टेबल है एंड अच्छे थॉट्स में घिरा हुआ है तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर पाओगे, लेकिन अगर नेगेटिविटी रहेगी तो थिंग्स विल नॉट वर्क। ओके, सो इसके लिए आप इसे वेयर ज़रूर कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल वन। हेलो पाइल नंबर टू, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर IHKTCBFVMZOQ या X है और आपने इस रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो हम देख लेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति क्या है, फ्यूचर आप दोनों का क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स की बुकिंग से भी ओपन है, सो पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए कि आपके जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर, बिकॉज सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, मेरे पास है टेम्परेंस, वी हैव द हर्मिट कार्ड. वाओ ग्रेट. एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव टावर कार्ड. ओके या सो चलिए देख लेते हैं. यहाँ पर जो साइंस हैं वो है एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न. एक्वेरियस लिब्रा के भी एनर्जीज हैं. ओके सो ऑलमोस्ट सारे साइंस राशियाँ हैं. सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर इस वक्त. ठीक है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है. देखिए अगर आपका सेपरेशन पीरियड है या नो कॉन्टैक्ट पीरियड है तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें ये सेपरेशन वगैरह कर रख कर या इस सेपरेशन पीरियड को नो कॉन्टैक्ट पीरियड को कंटिन्यू रख कर कोई फ़ायदा नहीं है और उन्हें अब बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए. ठीक है, दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपका सेपरेशन नहीं हुआ है, कनेक्शन चल रहा है, चाहे अच्छे तरीके से चले या बुरे तरीके से चले लेकिन चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का मतलब कोई अलग मतलब होने का कोई भी रीज़न नहीं है. इस कनेक्शन को ही हम अच्छे तरीके से अगर निभाएंगे तो ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा. तो इस कनेक्शन से अलग हो जाना या इस कनेक्शन से निकल कर कहीं और जाने का कोई प्लान ही नहीं है या कोई रीज़न ही नहीं बनता. सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो श्योर हो रहे हैं, इनकेस अगर आप कनेक्शन में हो और वो श्योर हो रहे हैं आपको लेकर, उन्हें ऐसा फीलिंग आ रहा है कि उन्हें आपके साथ कभी भी लाइफ में अलग नहीं होना है चाहे कितने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए. और अगर आप लोग सेपरेटेड हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं. उन्हें कंटिन्यू नहीं रखना आप सेपरेशन पीरियड को या फिर आप दोनों का जो दूर है, दूर रहना एक दूसरे से, वो चीज़ इस पर्सन को नहीं कंटिन्यू करना. तो चाहे सेपरेशन हो या ना हो, मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें इस कनेक्शन के फाउंडेशन को अब स्ट्रॉन्ग करना है, न्यू बिगनिंग करनी है. गिव अप करने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है. मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ना खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि उन्हें गिव अप नहीं करना है इस रिश्ते पे, उन्हें आप दोनों के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, उन्हें इस कनेक्शन को प्यार के बलबूते पे चलाना है और कोई रीज़न नहीं रहना चाहिए. सो मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन के दिल में कोई एक्सपेक्टेशंस या कोई डिज़ायर्स या कोई माइंड गेम्स थे तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि नो, कनेक्शन चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्यार के वजह से और एक दूसरे के प्रेजेंस के वैल्यू के वजह से. तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में और भी प्यार इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो और भी इमोशंस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप दोनों म्यूचुअल तरीके से एक दूसरे से प्यार करो एंड एक दूसरे के बिना रह ना पाओ और एक दूसरे के प्रेजेंस के वजह से ही एक दूसरे के साथ लाइफ को बिताना चाहो, उसमें और कोई मतलब फैक्टर काम ना करें. तो आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं कि डीप रियलाइजेशन से नज़र आ रहे हैं. उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनके ज़िंदगी का लाइट हो, आप उनके अंधेरे में उनके लाइफ का एक उजाला हो. आपके आने के बाद उनके लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस करे हैं. आपके बिना उनकी लाइफ अकेली है, आप जैसा ख्याल या आप जैसा फीलिंग उन्हें कोई नहीं देता. ठीक है, तो वो बस अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब चाहे कुछ भी हो, उन्हें आपसे दूर नहीं होना, उन्हें आपके साथ अलग नहीं होना, ना कभी सेपरेशन के बारे में सोचना है. चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो अब आप दोनों के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे कि ताकि अगर कोई झगड़ा भी होता है, कोई प्रॉब्लम भी होता है, तो आप दोनों मिलकर उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सको और यू नो अच्छे से रह सको. प्यार इस कनेक्शन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि सच में आप दोनों जेन्युइनली एक दूसरे के कमिटमेंट में रहो. दोनों के माइंड में कोई प्रेशर ना रहे किसी चीज़ का, दोनों को किसी भी चीज़ के लिए एडजस्ट ना करना पड़े, दोनों को पूरी तरीके से फ्रीडम मिले, बट दोनों एक दूसरे को लेकर लॉयल भी रह पाएँ. ठीक है, और सच भी बोल पाए. तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी मुझे आपके पर्सन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं. मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन खुद से प्रॉमिस भी कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर प्लान भी कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि एक हेल्दी कनेक्शन को किस तरीके से कंटिन्यू किया जा सकता है और आपको छोड़ना उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है. आप उनके प्यार हो, आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं,
और वो आपको कभी भी अलग करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसी सारे करंट थॉट्स एंड इमोशंस के थ्रू आपके पर्सन गुजर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स हैं गाइज, बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी एनर्जीज यहाँ पर है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि अब आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं करंटली आपके लिए, वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग आई हैव डन सो फार। ओके, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइज कि आपकी भी फीलिंग्स अच्छी हैं, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपना प्यार या अपना क्लिंगिनेस या चेस करने वाली एनर्जी या ज़्यादा एफर्ट डालने वाली एनर्जी को कम करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है करेंटली कि मैं ज़्यादा करती हुई आया हूँ या आई हूँ, तो मुझे इस रिश्ते को या इस प्यार को ख़त्म नहीं करना, बट मुझे थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है ताकि मेरा वैल्यू बना रहे, मेरा वजूद बना रहे और मुझे सामने से भी रिसीव हो, और अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम भी आए तो मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने इसके लिए सब खो दिया या इस रिश्ते के लिए मैंने सब अपना दे दिया, अपना सारा एफर्ट टाइम सब कुछ मैंने वेस्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप मैच्योर तरीके से काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करो, प्यार करो, लेकिन थोड़ा अब लिमिट में रहकर थोड़ी चीज़ों को कम करने की आप कोशिश करना चाहते हो, क्योंकि आपका ऐसा फील होता है कि आप बार बार इम्बैलेंस हो जाते हो, आपकी एनर्जी में इम्बैलेंसेस बहुत आ जाते हैं और आप उसी बारे में सोच रहे हो कि आप ज़्यादा इस कनेक्शन में कर लेते हो एफर्ट या ज़्यादा ही प्यार दे देते हो आप, जो इन रिटर्न आपको मिलता नहीं है बहुत बार इस रिश्ते से, या फिर बहुत सारी और चीज़ों के वजह से, फाइनेंशियल की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से आपकी मेंटल इमोशनल स्टेट ना ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब इस कनेक्शन में आप कभी भी स्टेबल नहीं फील कर पाते हैं, इमोशनली मेंटली फिजिकली चेंजेस आपकी आती रहती हैं। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करना सीखना होगा कि कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, और एल्स आप प्यार में ज़्यादा इन्वेस्ट करते जा रहे हो और इन रिटर्न आपको वैसा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इम्बैलेंसेस बन जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब आप भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो और आप फील कर रहे हो कि आपको इस कनेक्शन में झगड़ा नहीं करना, आपको इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी, आपको इस आप अपने पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखनी नहीं है, और किस तरीके से आप बैलेंस रह सकते हो, तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को कम करना चाह रहे हो, जैसे कि अपना एफर्ट देना हो, प्यार देना हो, आप ख़त्म नहीं करना चाह रहे हो बट आप चाह रहे हो कि आपका ज़्यादा हो जा रहा है, जो कि आपके लिए भी आपको भी अच्छा नहीं लगता है कि आप ज़्यादा कर देते हो किसी के लिए। सो मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो, आप चीज़ों को थोड़ा कम करना चाहते हो, कंटिन्यू रखना चाहते हो, कनेक्शन को लेकर कोई ऐसा सच नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा सा डीप नहीं जाना चाहिए इस वक्त, हमें भी थोड़ा सा नॉर्मली या कैजुअली कंटिन्यू करना हमारे लिए सही रहेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना ही सही रहेगा, तभी हम बैलेंस रह पाएंगे, हम अपने लाइफ में ही फोकस कर पाएंगे, हम अपनी चीज़ों को लेकर भी हैप्पी रह पाएंगे और हमें सिर्फ कनेक्शन को लेकर टेंशन नहीं बनी रहेगी कि हमने इतना कुछ किया फिर हमें कुछ मिला नहीं बाद में। सो कहीं ना कहीं आप प्रोज कॉन्स दोनों के बारे में सोच रहे हो कि फ्यूचर आपका अगर अच्छा होगा तो कैसा होगा, बुरा होगा तो कैसा होगा, तो आप चाहते हो कि आप अपने आप को रेडी रखो, आप टूट ना जाओ अगर कुछ बुरा हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो एंड आप चाह रहे हो कि चीज़ें आपकी इस तरीके से बढ़े जहाँ पे बाद में अगर कुछ बुरा हो या सेपरेशन आए या फिर अपने आपके पर्सन आपको हर्ट करे तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने इसके लिए इतना कुछ कर दिया और मुझे कुछ मिला भी नहीं, मुझे बस दुख मिला। तो ये चीज़ को अब आप फेस नहीं करना चाहते हो, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो आप इसमें कम इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्यार आप कम देना चाह रहे हो, एफर्ट आप कम देना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि जितना आपके पर्सन आपको देते हैं आप उतना ही उन्हें दो वापस, ताकि एक बैलेंस आपका बना रहे और आपको रोना ना पड़े, आप सैड ना हो, आप हर्ट ना फील करो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, विच इज़ गुड। ओके, क्योंकि एक म्यूचुअल एनर्जी होना ज़रूरी है, किसी एक का ज़्यादा करना कभी भी वो चीज़ लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं चल पाता है। म्यूचुअल हो, इक्वल लेवल पर जितना आप दे रहे हो उतना आपको अगर इन रिटर्न मिलता है एक रिलेशनशिप में तो डैट इज़ गुड एक्चुअली। तो आपका जो ये सोचना है, ये जो फीलिंग है, ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही है, इन केस अगर आपको हमेशा दुख मिलता आया है या कभी भी आपने स्टेबिलिटी नसीब नहीं करी है कनेक्शन से, ठीक है, तो उस केस में येस यू आर थिंकिंग या फीलिंग राइट इन अ राइट वे। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। और मुझे यह दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं जेन्युइनली अपने करियर में, पैसों में भी फोकस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी अब रिलेशनशिप या प्यार वगैरह से हटाकर थोड़ा ज़्यादा अपने करियर पैसों पे लगाएं, क्योंकि अब आप
यू नो पैशनेट हो रहे हैं अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब आप चाहते हो कि सब चीज़ें बैलेंस्ड वे में हो और आप इस कनेक्शन को इन्जॉय करो रैदर देन रोने धोने के या झगड़े होने के या झमेलों को दिमाग में रखकर ओवर थिंक करने के. आप नहीं चाह रहे हो, आपको बस आप बस अपने आप को ऐसा मतलब समझा रहे हो कि आपको कनेक्शन को इन्जॉय करते हुए बिताना है. कोई भी ओवर थिंकिंग, कोई भी झमेला, कुछ भी एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर देखना, ये सब करना ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं आप अपना पर्सपेक्टिव एंड आप जिस तरीके से फील करते हो उसको ही चेंज करने की आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हो, या फिर प्यार में आप जब भी किसी से मांगते हो कुछ या कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हो वही इंसान आपको धोखा दे देता है. इस वजह से मुझे लग रहा है कि आप अपने अंदर ज़्यादा मैच्योरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस रह पाएं, आपको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट ना कर पाए, और कोई चीज़ अगर अच्छी ना भी चले तो आप उस चीज़ को रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाए इजिली विदाउट एनी ब्रेक डाउन. ओके, we have possibilities, we have existence. Okay, सबसे पहले चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, ठीक है, मतलब रियलिटी लाइफ आप दोनों जैसे जी रहे हो आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं. तो फ्यूचर में आप दोनों ज़रूर सेम पेज पर आने वाले हो जहाँ पर चीज़ें म्यूचुअल ज़रूर होंगी. अगर आप बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत एफर्ट दे रहे हो ना, तो आपको रिसीव भी होगा अपने पर्सन से, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, ये चीज़ मुझे दिख रहा है. और दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो भी एग्जिस्टिंग मैनिफेस्टेशन है इस कनेक्शन से रिलेटेड या फिर जैसा भी आपने एक्सपेक्ट करा है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो डेफिनेटली पूरा होगा. वो चीज़ रियलिटी में मैनिफेस्ट आपके रिश्ते में ज़रूर होगी. सो अगर आपने सोच रखा था या कभी भी फील किया था कि आपको इनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है या लाइफ लॉन्ग चलना है, तो वो चीज़ सच में बदलने की चांसेस यहाँ पर बहुत हैं. तो फ्यूचर आपका अच्छा चलेगा, जो भी आपने सोचा है वो होगा. जिस तरीके से आप अपने पर्सन को चाहते हो वो भी पॉजिटिव चेंजेस आपको अपने कनेक्शन में पर्सन में ज़रूर से ज़रूर नज़र आएगा. तो आप डेफिनेटली ट्राई करो कि अभी आप बैलेंस स्टेट में ही रहने की कोशिश करो, बिकॉज जितना आप एनर्जेटिकली बैलेंस रहेंगे उतने आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, उतने आपको रिसीव भी होंगे एनर्जीज, ठीक है. क्योंकि देखिए आपको इन्वेस्ट एनर्जी वहीं पर करना चाहिए जहाँ पर कोई सामने वाला इंसान डिजर्व कर रहा हो, ठीक है. तो अगर कोई नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट में आप इन्वेस्ट कर दिया आपने, तो आपको इन रिटर्न दुखी मिलेगा, बिकॉज जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनके पास वो एनर्जी होगी नहीं देने के लिए आपको, ठीक है. वो आपका एनर्जी लेकर वो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, बट उनको उनके पास है ही नहीं खुद का कुछ, तो वो आपको इन रिटर्न क्या देंगे, ठीक है. सो बेटर ये है कि आप हर एक चीज़ को टाइम दीजिए, आप इंसान को समझने की कोशिश कीजिए. ऐसा नहीं है कि आपने प्यार में पड़ गए और आपने सब दे दिया, ठीक है. इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल, ठीक है. क्योंकि सामने वाला भी पर्सन आपकी फ्रिक्वेंसी का हो, आपके वाइब्रेशन का हो, इट नॉट नेसेसरी, ठीक है. तो सेम पेज में आप दोनों ज़रूर आओगे, आपको थोड़ा टाइम देना होगा. बाकी आप अपने लाइफ में फोकस कीजिए, मैनिफेस्टेशन सबकी ज़रूर पूरी होगी, कनेक्शन आपका बहुत अच्छे तरीके से चलेगा. सो गाइस, अगर आपको ये एनर्जाइज रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट चाहिए तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं. ये आपके लव लाइफ के लिए, लव लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरीके के मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. यूनियन के लिए, मैरिज के लिए, एग्जिस्टिंग कनेक्शन जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली, इन लॉज या करेंट पार्टनर, क्रश वगैरह, उनके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आप इसे वेयर कर सकते हैं. सेल्फ लव के लिए भी ये बहुत अच्छा है, साथ में ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है. तो लव, मैरिज, सेल्फ लव, ब्यूटी एंड कनेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरीके के इशू को सॉल्व करने के लिए या किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट लाने के लिए, बेहतर करने के लिए, आप इस एनर्जाइज ब्रेसलेट को पर्सनलाइज्ड वे में वेयर कर सकते हैं. अगर आपको ये एनर्जाइज ब्रेसलेट चाहिए आपके खुद के लिए या आपके फ्रेंड्स फैमिली के लिए, या फिर आप अपने पार्टनर को गिफ्ट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, या साथ में वेयर कर सकते हो. ओके, सो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इंस्टा में एंड व्हाट्सएप में भेज कर अपनी ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो. ये ब्रेसलेट डिस्काउंटेड प्राइस में है, तो ज़रूर आप इसे ऑर्डर प्लेस कर दीजिए अगर आपको ये चाहिए तो, बिकॉज लिमिटेड स्टॉक में रहती हैं और बहुत जल्दी ऑर्डर्स फुलफ़िल हो जाते हैं, ठीक है. तो ज़रूर अगर आपको चाहिए तो आप जल्द से जल्द ऑर्डर प्लेस अपना करवा दीजिए. सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय.